हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि इस टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। ये जो समय चल रहा है या फिर आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला वक्त है, उस हिसाब से अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी किस चीज़ से फोकस करना चाहिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वह यही है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है अभी। तो यहाँ मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि अभी आपके लाइफ के लिए क्या सही है और अभी आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो आपके ज़िंदगी के लिए अच्छा हो, आने वाले समय के लिए अच्छा हो, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो यहाँ आपके सामने कुछ कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, मैंने यहाँ कुछ कार्ड निकाल लिए हैं जिसके आधार पर हम देखेंगे कि आपको अभी करना क्या चाहिए, अभी आपके लिए क्या सही है। यहाँ पे हम लेंगे साईं बाबा का संदेश। तो यहाँ पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, आप देख सकते हैं आपके सामने। अब यहाँ पे तीन कार्ड के सेट हैं, आपको जो भी कार्ड का सेट अच्छा लग रहा हो उसका मैसेज पढ़ सकते हैं आप। मैसेज अच्छा लग रहा हो आपको, आप वो कार्ड चुन सकते हैं। ये है कार्ड नंबर 1, 2, 3। तो ये कर्म, जीवन की पुस्तक, तारतम्य, ये है कार्ड नंबर 1, 2, 3। आंखें बंद करिए, मन में अपने क्वेश्चन को आप दोहराइए भी, अभी आपके लिए क्या सही है, अभी आपको क्या करना चाहिए, आपके लाइफ का इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ज़िंदगी में किस चीज़ पे महत्व फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे काम करना चाहिए, अभी आपके लिए क्या सही है, ये सारी बातें आप मन में करिए। उसके बाद प्रार्थना करिए, फिर आंखें खोलिए, फिर आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा हो, आपको जो भी लाइनें अच्छी लग रही हो, कर्म अच्छा लग रहा हो, जीवन की पुस्तक अच्छी लग रही हो या तारतम्य में अच्छा लग रहा हो, जो भी मैसेज आपको अच्छे लग रहे हो आप चुन लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी आपके लाइफ के लिए क्या सही है, अभी आपको क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो मैसेज आप देख सकते हैं, कर्म, कर्म कार्य करण भाव है, सजा नहीं। तो आप अपना मैसेज देख सकते हैं, कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो आइए देखते हैं आपके लाइफ के लिए अभी क्या सही है। अभी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, या फिर ऐसा हो चुका है कि एक टाइम पे उस पर्सन ने आपको बहुत धोखा दिया। आप जानते हैं सब कुछ उसके बारे में कि वो पर्सन आपके लाइफ के लिए सही भी नहीं है। अगर आप सब कुछ जानते हैं उसके बारे में कि वो पर्सन अभी आपको फिर धोखा देगा, अभी आपके लाइफ में आया फिर चला जाएगा, तो ये जो पर्सन आपके लाइफ में आता जाता रहता है, आपको उस पर्सन से अब दूर जाना है, आपको एक डिसीजन पे पहुंचना है। यानी कि अभी जो एक वक्त है आपके लाइफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त है, आप एक बहुत बड़ा फैसला आपको लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता है, आपको खुद को पता है कि वो पर्सन, जो भी पर्सन है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है, या फिर कोई ऐसा ऐसा कोई आपने करियर चुन लिया है जो आप भी जानते हैं कि आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत कोशिशें की हैं आपने, बहुत मेहनत की है, उसके बावजूद भी आप उसमें लगे हुए हैं। तो अभी एक डिसीजन आपको लेना है, ये वक्त एक डिसीजन मांग रहा है। आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं इस समय, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई ऐसा फील्ड हो, या फिर कोई बिजनेस, जो भी आप इस समय ऐसा कुछ है जो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ जानते हैं उस चीज़ के बारे में, तो एक डिसीजन ले सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपको हमेशा हर्ट करता रहता है, रिपीट होती रहती हैं उसकी हर आदतें, हर चीज़ें, और बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो पर्सन बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ, तो अभी एक डिसीजन है कि आप उस रिश्ते से मूव ऑन करें। क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी और ऐसी बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगी, आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आने वाला समय आपसे एक डिसीजन चाहता है, एक जो समय अभी चल रहा है एक डिसीजन चाहता है, उसके बाद आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपकी लाइफ एक रुक सी गई है कहीं ना कहीं, किसी कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा आपका सारा काम वो ख़राब कर देती है। वो कोई ऐसा ऐसा रिश्ता भी हो सकता है आपका, कोई आप किसी को लाइक करते हैं, वो पर्सन भी आपको लाइक करता है, फिर वो पर्सन धोखा देता है, चीट करता है, पीठ पीछे, मतलब
आप सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, फिर भी वो पर्सन आपकी लाइफ में है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालें, क्योंकि ये समय की मांग है। आने वाला समय आपका अच्छा है, लेकिन आपको एक डिसीजन लेना है। तो अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अभी आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले लें। कोई ऐसा पर्सन है तो उसे आप मूव ऑन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, छोटी सी थी, क्योंकि आज का जो टॉपिक भी यही है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपके लाइफ में किस चीज़ पे आपको फैसला लेना है, या फिर अभी आपके लिए क्या सही है, ये हम देख रहे थे। तो हमें पता चल गया आपके कार्ड्स देख के कि अभी आपको करना क्या है। अभी आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी उसे आप अनदेखा कर देते हैं। आपको उस चीज़ पे डिसीजन लेना है। आप जिसके लिए भी अपने लिए रिंग देख रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि ऐसी क्या चीज़ है आपके लाइफ में जो आपको, आप सब कुछ जानते हुए भी उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। समझना, हम सब कुछ जान के भी अनजान बन जाते हैं, तो उस चीज़ को आपको अपनी लाइफ से अब निकालना है। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपको ये मैसेज देख सकते हैं आप, ये मैसेज कितना अच्छा है आपके लिए, आप मैसेज भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये वाला मैसेज और ये वाला कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, जीवन की पुस्तक, ज़िंदगी में कुछ बुरे हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही गहरा मैसेज है। आप इसको समझें, और जब आप इस मैसेज को समझेंगे तो लाइफ में कभी भी आप नकारात्मक नहीं होंगे, कभी भी आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये एक जीवन पुस्तक है। इसमें अच्छे पन्ने भी हैं, बुरे पन्ने भी हैं। बुरे पन्नों को आप निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप बुरे पन्नों को निकाल देंगे तो जो अच्छे पन्ने हैं उनका महत्व ही नहीं रहेगा। तो जीवन एक पुस्तक की तरह है। आइए देखें अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी तो सबसे पहले आपके कार्ड में मुझे यही दिख रहा है कि आपको आपका जो भी, जिसे भी आप लाइक करते हैं आपके लाइफ में, जो भी आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत लाइक करते हैं, बहुत लव करते हैं, आने वाले समय में भी आपका उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ही एक मजबूत कड़ी है आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन। बहुत कुछ, मतलब इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में काफ़ी अच्छा सब कुछ हो रहा है। बहुत लकी पर्सन भी है आपके लिए। तो अभी आप उनको टाइम दीजिए। अगर आप उन्हें टाइम नहीं देते हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। उस पर्सन को आप टाइम नहीं दे रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन ही आपको टाइम नहीं देता जिसे आप लाइक करते, वो भी लाइक करते, लेकिन कोई ऐसी वजह हो जाती है कि आप दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं देते। तो ऐसा कुछ करिए कि वो पर्सन आपको टाइम दे। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बातें करिए, अभी जो समय है उनके साथ अच्छा कुछ बातें करने का, ऐसे का वक्त है ये। मतलब अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताने का समय है ये। अभी आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर जिसे भी लाइक करते हैं उसके साथ एक अच्छा समय बिताइए, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये वक्त एक यादगार पल हो जाए कि आप सबने इतना अच्छी अच्छी में वो एक साथ वक्त बिताया है, बातें की हैं। तो ये जो समय की मांग है यही कह रही है, ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कह रही है। लाइफ में आपकी लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। कोई ज़्यादा आने वाला समय कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत वाली बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा समय आपका बीतेगा अपने लाइफ के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जो भी आपके लाइफ में है। ज़रूरी नहीं कि आपका शादी हो चुकी है तो आपके लाइफ पार्टनर ही हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आप बहुत लाइक करते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आप दोनों का समय अच्छा बीतने वाला है आने वाले समय में। तो अभी जो समय की मांग है वो यही है कि आप अपने समवन, जो भी आपके लाइफ में है, उसके साथ एक अच्छा वक्त बिताइए, उन्हें टाइम दीजिए। और अगर वो आपसे, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उनका टाइम लीजिए, ऐसा कुछ करिए कि वो आपको टाइम दें। तो अभी उन्हीं के साथ अपना वक्त बिताइए, आप उनसे बातें करिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए। अभी जो समय की मांग है वो यही कह रही है आपसे कि अभी आप एक शांत मन से, शांत हो के एकदम पॉजिटिव फील करें, पॉजिटिव रहें लाइफ में, सकारात्मक सोचें। तो सकारात्मक सोचेंगे सब कुछ अच्छा होगा, और बुरा कुछ ना सोचें, कोई भी बुरी चीज़ मन में ना लाएं, और ना ही बुरी बातों के बारे में सोचें। अच्छा सोचें, आपके साथ अच्छा होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपके साथ होता है। तो बुरा ना सोचें, और आने वाला समय भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डरने वाली बात हो। तो काफ़ी अच्छा समय आपका चल रहा है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जिसे आप लाइक करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उनके साथ ये समय बिताइए। समय की मांग यही है, अभी आपके लिए यही सही है। तो
तो अपना मैसेज आप देख सकते हैं जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं। निश्चित, सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो ये आपका मैसेज है, आप खुद देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं जीवन की पुस्तक। तो काफी अच्छा कार्ड था आपका। आइए देखते हैं कार्ड नंबर, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चूज किया है, तारतम्य मन शरीर एवं आत्मा से तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। आपको मन शरीर आत्मा सब में एकरूपता ले आइए, उसके बाद ही अपने, अगर आपको सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, मन हमेशा भ्रमित रहता है, मन में हमेशा चिंता बनी रहती है, आप हमेशा उलझनों में पड़े रहते हैं, आपको लगता है जैसे बस आपको उलझनें खाई जा रही हैं, तो एक ध्यान की कमी है आपके लाइफ में। थोड़ा सा आप बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं, आपको हमेशा नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, हमेशा आपको सकारात्मक अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो वो एनर्जी आपके लाइफ में एक्टिव हो जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी नकारात्मक मत सोचिए, क्योंकि ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, बहुत जल्दी एक्टिव होती है। आप जितना उसको सोचेंगे भी नहीं, उससे जल्दी वो एक्टिव हो जाती है। इसीलिए सकारात्मक सोचा करिए। समय की मांग क्या है? वही, जो आप उदास रहते हैं, अक्सर उदास मत रहिए। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप भ्रमित मत रहिए, आप बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। ये भी हो सकता है, ये जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी है, जो करियर में अपने लगे हुए हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। उनके सामने बहुत अच्छे अच्छे आ जाते हैं, वो सोचते हैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। ये सारा चीज़ में आप हो के जो आपको करना वो आप नहीं करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो आप चाहते हैं वो बहुत, अब जैसे आप कुछ ऐसी चीज़ चाह रहे हैं छोटी लेवल, मतलब छोटा है वो चीज़, छोटी है, लेकिन आप चाहते हैं, आपकी पसंद है वो, आपको पसंद है वो चीज़, अगर फिर आपका मन भ्रमित हो गया, नहीं मुझे वो बड़ी चीज़ चाहिए, तो कहने का मतलब यही है कि जो आप चाहते हैं आप उसी पे फोकस करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी दिख रही हैं आपको, तो आप उसमें से भ्रमित होकर जो चीज़ आप चाह रहे थे उसको भूल जाए। तो आप भ्रमित बहुत जल्दी हो जाते हैं, नकारात्मक आप थोड़ा हैं, नकारात्मक सोचते हैं, अक्सर आप में एक उदासी रहती है चीज़ों को लेके, आपको जो चीज़ चाहिए जल्दी मिलती नहीं है और दूसरों को वो चीज़ जल्दी मिल जाती है, ये चीज़ आपके मन में चलती रहती है। आप थोड़ा सा ऐसा माइंड है आपका कि आप बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, तो ये उदासी अपनी ज़िंदगी में मत ले आइए, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचा करिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आप जिस चीज़ के बारे में जितना सोचेंगे वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाएगी, तो आप उसके बारे में सोच के उसको एक्टिव कर रहे हैं। तो जब आप नकारात्मक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ एक्टिव हो जाती है, तो आपकी लाइफ में तो वो चीज़ होगी ही ना। इसीलिए मैं कहती हूँ आप सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचेंगे तो वो एनर्जी एक्टिव होगी, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आपका मन अच्छा होगा तो आप काम कर सकते हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। आने वाली संभावनाएं बहुत आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, बस बशर्ते कि आप हुआ करिए। बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं ज़िंदगी से, सब कुछ आपके सामने ही पड़ा रहता है लेकिन आपको दिखता नहीं, क्योंकि आप बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, आप हार मान लेते हैं, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है। वो तो अब दूसरा टॉपिक हो जाता है कि इंसान लाइफ में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जैसा कि आज का जो टॉपिक है कि अभी आपके लिए क्या सही है, अभी आपके लिए सही है कि आप अब ध्यान करिए, योगा करिए, सब सोचिए, सकारात्मक चीज़ें देखिए, लाइफ में संभावनाओं को देखिए, और उन लोगों की अब स्टोरी भी सुन सकते हैं, उन लोगों की बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में। असफल लोगों की बजाय आप वो सारी स्टोरियों को जानने की कोशिश करें, जहाँ पे लोग असफल होने के बाद बहुत सफल हुए हैं। तो पॉजिटिव रहिए, ये समय आपको आप पूरा कुछ काम नहीं करना है आपको, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आप जिस दिशा में स्टडी कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, आप जिस करियर पे विश्वास रखिए, आप जो काम कर रहे हैं उस पर विश्वास करिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपके लिए सही हैं, लेकिन आप भ्रमित हो जाते हैं तो वो नुकसान करता है फिर आपको। तो अभी जो समय का इशारा यही है कि आप थोड़ा सा योगा करिए, ध्यान लगाइए, और जिस भी धर्म को मानते हैं पूजा पाठ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप वहाँ पे अपना माइंड लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव फील होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो आप हमेशा सकारात्मक सोचा करिए, अभी आपके लिए यही में है, समय की मांग भी यही है
कि ध्यान दीजिए अपने आप पे, आप बहुत नकारात्मक सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचिए, ये बहुत अच्छा होता है। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।